Hello everyone, this is Deepika. Welcome to R.G.A.D commerce classes. Now today we are going to discuss marketing philosophies. There are 5 types of marketing philosophy. Number 1, production concept. Second 1 is product concept. Third 1 is selling concept. Fourth 1 is marketing concept, and the last 1 is social marketing concept. Number 1, we are going to discuss the production concept. First of all, this philosophy is based on the belief that high production efficiency and mass production would sell the product offered to market. अब mass production क्या है? In short, mass production and distribution are the essence of production concept. किसी भी production में क्या होता है, किसी भी marketing के concept में सबसे ज़्यादा हमारा mass production और distribution, किसी भी production कोई भी चीज़ produce करने में, तो mass production और distribution दो important, एक तरह से इनके बिना प्रोडक्ट कंसेप्ट हो ही नहीं सकता, प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता. मास प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे नहीं होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन करने का फ़ायदा ही क्या होता है. ठीक है, व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई और प्रोडक्ट कॉस्ट इज हाई, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है ना सप्लाई से और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, तब क्या होता है, देन कैन बी ब्रॉट डाउन बाय मास प्रोडक्शन, तब उसे क्या करा जाता है, कम किया जाता है. किसको कम किया जाता है, कॉस्ट को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को किससे कम किया जाता है, मास प्रोडक्शन से. इन शॉर्ट अगर हम समझें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अपने प्रोडक्शन करना है, अपने फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना है और उसकी कॉस्ट लोअर कॉस्ट पे, मतलब जितनी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमने पेन प्रोड्यूस्ड किया तो उसकी कॉस्ट आई हमारी 5 रुपी आई. ठीक है, तो हम 5 रुपी आई तो हम 6 to 7 इतनी कॉस्ट लगा दें. अब ये नहीं 5 आई है तो जस्ट डबल हमने 10 का उसको सेल आउट किया. इसमें लिखा लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट का ये मतलब नहीं है कि 5 का प्रोड्यूस किया 5 का ही बेच दिया तो हमें प्रॉफिट क्या हुआ, मतलब उससे हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे, बस इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेंगे. तो इसमें यही होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, मास प्रोडक्शन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, और कॉस्ट उसकी क्या होगी, लोअर होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यही पेन दे रहे हैं 7 रुपीज़ का, है ना, 6 या 7 रुपीज़ का, कोई और दे रहा है 10 रुपीज़ का, तो किसका पेन खरीदेगा कोई भी परचेजर, हमारा पेन खरीदेगा क्योंकि सेम क्वालिटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है 7 रुपीज़ में, उधर 10 रुपीज़ में मिल रहा है. तो यही है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, हमें मास प्रोडक्शन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना, कॉस्ट उसकी लोअर होनी चाहिए. नाउ सेकेंड वन इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, द कंपनी फॉलोइंग दिस फिलोसफी बिलीव दैट बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग द फीचर ओवर टाइम दे वुड बी एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर. इसमें ये होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये होता है, कंपनी एक फिलॉसफी फॉलो करती है और कंपनी ऐसा बिलीव करती है, बिलीव क्या करती है, एक ट्रूथ होता है. ठीक है, कि हम अगर सुपीरियर बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड करेंगे या फिर अपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर उतने ही उसकी फीचर्स में हम इम्प्रूव करेंगे, उसकी ही क्वालिटी में इम्प्रूव करेंगे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारी फॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, तो क्या हुआ, अब नाउ नेक्स्ट लाइन इज प्रोडक्ट कंसेप्ट इज शॉर्ट साइड इन नेचर, प्रोडक्ट गुड क्वालिटी एंड हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट. इसमें बेसिकली कंक्लूजन ये निकल के आया है प्रोडक्ट कंसेप्ट में, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई रखनी है जिससे हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, या फिर जो भी हम अगर मान लो मीडियम भी क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की तो हम उसे इम्प्रूव करें, किससे, फीचर्स लगा के हम उसे इम्प्रूव करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हों. तो मतलब यही हुआ प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी एंड हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आई थिंक दिस इज़ क्लियर. नाउ थर्ड वन इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. अब देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल हमने 10 यूनिट्स कोई बनाई तो हमारा मोटो क्या होगा, यही होगा कि भाई 10 यूनिट्स बनाई है तो हमारी 10 यूनिट्स बिक जाए. अब उनको हम घर में तो रखेंगे नहीं, है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये होता है, सेल व्हाट यू हैव प्रोड्यूस्ड, जितना भी हमने बनाया है हमें बेचना है सब. ठीक है,
ये कंसेप्ट रहता है, लेकिन इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं देखी जा रही है। इसमें जो भी बनाया है सब बेच देना है बस। इट इज़ बेस्ड ऑन द अडॉप्शन ऑफ एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट बिकॉज ऑफ द कस्टमर बाइंग इनर्शिया एंड रेजिस्टेंस। द फर्म मस्ट पुश इट्स प्रोडक्ट थ्रू एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट। अब इसमें फर्म क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एफर्ट्स लगाती है कि एनी हाउ में प्रोडक्ट को बेचना ही बेचना है कस्टमर तक, है ना, प्रमोशनल इफेक्ट लगा के, एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट एडवर्टीजमेंट लगा के या कोई भी चीज़ लगा करके वो अपने कंसेप्ट को, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, ठीक है। लेकिन एक बार इससे ये होगा, एक बार तो बेच देंगे, फिर वो कस्टमर मतलब फिर दोबारा वो कस्टमर जब जान जाएगा कि इनकी क्वालिटी में इतना नहीं है इम्पॉर्टेंस, इतना मतलब दम नहीं है, तो वो नहीं परचेज करेगा। तो ये कंसेप्ट उतना सही नहीं है। इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट प्लस प्रमोशन इज इक्वल टू सेल। जो हमारा प्रोडक्ट हमने बनाया उसमें प्रमोशन लगा दिया, ऐड लगा दिया, एडवर्टीजमेंट लगा दी, इज इक्वल टू सेल, वो सेल्स के बराबर हो गया। अब देखो फिर क्या है मार्केटिंग कंसेप्ट में, अब इसमें, अब मार्केटिंग कंसेप्ट में ये बताया गया कि भाई आपका ये जो कंसेप्ट था सेलिंग कंसेप्ट, ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। एक बार तो कस्टमर, चलो आपने इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट लगा के उसे सेल कर दिया, ठीक है, बार बार कस्टमर बेवकूफ़ थोड़े ना, वो उसे समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्वालिटी है क्या नहीं, तो वो बार बार नहीं परचेज़ कर पाएगा। तो इसमें ये होगा मार्केटिंग कंसेप्ट में, हम ये पढ़ेंगे प्रोड्यूस व्हाट यू कैन सेल, मतलब जो हम बेच सकते हैं, ठीक है, वो हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसकी क्वालिटी एंड क्वान्टिटी सब मतलब एक्टिव हो, क्वालिटी, है ना। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग हैज गिवन राइज टू अ बिजनेस फिलोसफी नोन एज मार्केटिंग। इसमें ये है, पहले तो हम यहाँ अपने सेलिंग कंसेप्ट लगा रहे थे, अपना मार्केटिंग ओरिएंटेशन लगा रहे थे, ओरिएंटेड फिलोसफी लगा रहे थे, लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में हमें बेसिकली कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग ही लगानी पड़ेगी। जो कस्टमर को चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस्ड करना है, ठीक है, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करना है, वरना वो हमारी प्रोडक्ट को कभी परचेज नहीं करेंगे। द मार्केटिंग कंसेप्ट इम्फेसिस द डिटरमिन of the requirement of potential customer and supplying products to satisfy their requirement, मतलब उनकी अगर needs को ही satisfy नहीं करेंगे तो वो हमें क्यों purchase करेंगे हमारे products को। Products are produced and sold to satisfy the need and want of customer, ठीक है, हम बता चुके हैं marketing concept में क्या। अब देखो social marketing concept, social marketing में ये होता है कि इसमें सबसे पहले मेंटेन्स और इम्प्रूव बोथ द कस्टमर एंड सोसाइटी वेलबींग। इसमें क्या है, हमें कंज्यूमर को भी मेंटेन रखना है उस और सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी काम करना है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, मतलब कंज्यूमर की नीड भी सेटिस्फाई हो, कंपनी का प्रॉफिट भी हो जाए और सोशल ह्यूमन वेलफेयर मतलब एक तरह से इको फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, सब कुछ मेंटेन रहे। सोशल एज अ वर्ड डिफाइन इट्सेल्फ कि सब कुछ हमारा प्रॉपर मेंटेन रहे, तो ये हमारा सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट हुआ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमारा ये लोगो था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेंगे। एक पेन बना है 5 रुपये का तो उसे हमने 7 रुपीज़ पे बेच दिया, तो हमारा वाला परचेज करेगा कोई भी बायर है और 10 रुपीज़ वाला नहीं करेगा ना। प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि गुड क्वालिटी का ही प्रोड्यूस करेंगे जिससे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, वो हमारी फर्म में बार बार चीज़ें हमारे प्रोडक्ट को बार बार वो परचेज करें। सेलिंग कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कुछ भी जो भी बना है 10 यूनिट्स बनी है सब बेच दो, ठीक है, तो प्रोडक्ट अपने इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन लगा के। मार्केटिंग कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करो तब वो परचेज करेगा, अदरवाइज वो हमारे पास नहीं आएगा। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि सारी चीज़ें कंपनी की प्रॉफिट भी हो, कस्टमर सेटिस्फाई भी हो हमारे और सोसाइटी के लिए वेलबींग भी हो, ऐसा हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड इफ गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वी विल कम्प्लीट होल सिलेबस ऑफ मार्केटिंग फॉर एनटीए नेट एग्जामिनेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स भी हमारी है। इसके बाद हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, देन HRM पढ़ेंगे, ऐसे कंटिन्यूएशन में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।